हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी और आपको लाभ पहुंचाने वाली जितनी भी स्कीमें हैं हम बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम और भी अच्छी अच्छी स्कीमें बताएंगे। जैसा कि आज हम वैसे ही आज एक और नई स्कीम, एक और नई योजना लेके जो हमने ये वीडियो बनाया है, मुझे पूरी आशा है कि जो ये मेरा वीडियो है ये आपको बहुत काम आएगा। और जो ये योजना है इसके बारे में मैं जो भी डिटेल्स आपको दूंगा आप अच्छे से समझें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना 2020 के बारे में। सरकार का ये सबसे बड़ा तोहफा है जो बेटियों के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो गवर्नमेंट है वो बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं इसके ऊपर निरंतर कार्य कर रही है ताकि बेटियों को आगे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार हम इसके लाभ उठा सकते हैं और अपनी बेटियों को जो जो उनकी शिक्षा के ऊपर जितने भी कानून हैं या फिर जो कोई भी कानून है, हर कानून में हमें हमारी बेटियों को आगे रखना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। और भी बहुत सारे जो बातें हैं हमें सब पता है कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, जैसा कि हमें सब पता होता है। तो उसी प्रकार जो आज ये योजना हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत में जो गिरता लिंग अनुपात है हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ज़रूरतों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसा कि आप इसमें पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार जो ये सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत की गई है। तो मैं दोस्तों बता दूँ कि इसमें जो जो भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी मैं जो आपको बातें बताऊंगा सभी बातों को गौर से सुनिएगा और जो ये स्कीम मैं आपको बताऊंगा इसका लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्चे को आसानी से पूरा करना है। योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। दोस्तों, मैं बता दूँ जो इसका अकाउंट खुलेगा वो आपके जो नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है जिसको हम डाकघर भी बोलते हैं उसमें हमें ये अकाउंट खुलवाना होगा। ये अकाउंट हमें अपनी बेटी के नाम खुलवाना होगा जो कि आपके जो इस योजना के तहत जो भी धनराशि आपको आपकी बेटी के विवाह आदि और जैसे पढ़ाई के कार्य में लगाने के लिए जो भी राशि आपको मिलेगी वो इसी अकाउंट के तहत मिलेगी आपको। दोस्तों, अब मैं आपको इस योजना के बारे में बता दूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में 1,000 से लेके 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा। इसके बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा, यानी जो पैसा है वो उसकी बेटी के जो माता पिता हैं उसको मिल जाएगा। अगर बेटी की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच शादी हो जाती है तो अकाउंट उसी वक्त बंद हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यदि आप पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं खुलवा पाते किसी कारणवश तो बहुत से मान्यता प्राप्त बैंक हैं जो ये खाता खोलते हैं, आप उसमें भी अपना खाता जाके खुलवा सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी। इसके बाद पालक अपनी दो बेटियों के लिए दो अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर किसी के पास दो बेटियाँ हैं तो अलग अलग दो खाते भी खोल सकते हैं। उसके बाद जुड़वा होने पर उसकी प्रूफ देकर ही पालक तीसरा खाता खोल सकेंगे। पालक खाते को कभी भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जो कि हमारा खाता जो
यदि किसी बैंक में हमें कहीं ट्रांसफ़र कराना है तो हम उसको ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बिटिया के लिए हर महीना 1,000 रुपये डालता है तो उसे 12,000 रुपये 1 साल में डालने होंगे, और उसी हिसाब से जैसे उसको 14 सालों में पालक को जो पैसे मिलेंगे वो 1.68 लाख रुपये मिलेंगे, जो कि 4,39,128 रुपये जो उसका वो ब्याज मिलेगा। इसके बाद जो जानकारी हम आपको बताते हैं दोस्तों, इसके जो आवश्यक दस्तावेज है वो हम आपको बताते हैं कि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये तीनों जो मैंने आपको बताए दस्तावेज, ये होने आवश्यक है, अनिवार्य है। तो दोस्तों, इन दस्तावेज़ों के साथ अपना जल्दी से जल्दी अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी स्कीम से रिलेटेड आपको यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको, हम उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करेंगे। यदि आपको आपके स्टेट से जुड़ी कोई भी स्कीम या फिर लेटेस्ट जॉब के बारे में कुछ भी वीडियो चाहिए, उसके बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। वह कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्टेट डाल के हमें बता सकते हैं कि हमें इस पे वीडियो चाहिए, तो हम आपके स्टेट वाइज जो वीडियो और जो लेटेस्ट जॉब निकलेंगी हम उस पे वीडियो बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी देंगे, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।